आप सब लोग, मैं बहुत अच्छी हूँ और मौज में हूँ। मौसम एकदम बढ़िया हो रखा है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 या 2 के आसपास हो रहा है टाइम, लंच का टाइम हो रहा है और मन कर रहा है कुछ मीठा खाने का। तो मैंने सोचा मीठे बनाने के साथ साथ मैं आपसे बातें भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो डिसाइड करें कि मीठा खाना क्या है। बताओ बताओ क्या खाना है। मेरा मन कर रहा है कड़ा प्रसाद खाने का, जो वो मैंने बनाया था ना वीडियो देख, वो बनाने का मन कर रहा है। तो चलो वही बना लेते हैं। तो जिसने व्लॉग देखा है पहले, उनको पता ही कैसे बनाना है। तो सबसे पहले तो हम कढ़ाई रख दी, बताऊंगी नहीं यार, आप लोगों को पता है कैसे बनाना है ना। आप लोगों ने वीडियो देखे ही होगा कड़ा प्रसाद वाला, जब मैंने बोला था कुछ मीठा खाने का मन हो तो कड़ा प्रसाद हो जाए, तो वो वाला व्लॉग आप देख सकते हो। तो ज़्यादा नहीं बनाना, थोड़ा सा बनाना है, ऐसे लगा लो इतना एक कटोरी, बस इतना ही बनाना है, एक्स्ट्रा नहीं बनाना कुछ भी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, गैस जला रही है यार। एक बात और है, सर्दियां तो आ गई हैं, खाने का मन तो करता है पर बनाने का नहीं करता, फिर बना के बर्तन कौन धोएगा। ऐसा सही सीन हो गया। कुछ कुछ जो चीनी है वो हम ज्यादा ही हो गई है, इतनी डाल लेंगे। तो चीनी हम इतनी डाल लेंगे। इसको थोड़ा पहले, यार घी जम गया बहुत ज़्यादा, तो घी निकालने के लिए ना हाथ अंदर डालना पड़ेगा थोड़ा सा। तो फिर घी निकालने के लिए क्या करेंगे। एक बात तो है यार, सर्दियों में ना जो वो होता है ना ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू, पिन्निया, बेसन के, वो सब खाने का मन करता है, पर वो खा लो यार फिर मोटे हो जाएंगे। वैसे इतने मोटे हो रहे हैं, गैस तेज है बहुत ज़्यादा, घी डालते ही मेल्ट हो गया, ऐसे लगा लो। इतना ज्यादा जम गया है, निकल ही नहीं रहा। चलो जी इतना इनफ है, नहीं तो हम तो वैसे ही मोटे हो रहे हैं। लोगों ने भी हमको कहना स्टार्ट कर दिया कि ज्योति आप मोटे हो रहे हो। अब तक तो हमारे माता और पिता कह रहे थे, अब तो इंस्टाग्राम पे भी कहने लग गए। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरी आईडी है राज ज्योति यादव के नाम से। तो फटाफट से अपना ये घी गरम हो गया है, इसमें हम ये डाल देंगे आटा। पिछली बार कुछ हुआ था ना यार, जब मैंने कुछ कहा था आटा डाल दो तो कुछ सीन हुआ था। इसको अच्छे से कर लेंगे, वो क्या बोलते हैं उसको बताओ, क्या बोलते हैं अच्छे से वो कर लेंगे गरम। फैन चलाऊंगे तो यार आप लोगों को आवाज नहीं आएगी। थोड़ा ना इसमें ना घी कम पड़ गया, थोड़ा घी इतना होना चाहिए कि जैसे कि वो आटा गीला हो, सूखा ना हो बिल्कुल भी, इतना तो घी होना ही चाहिए कम से कम। तो थोड़ा और घी डाल देंगे, क्या जा रहा है, मोटे होंगे हो जाएंगे। मैंने ना एक चीज़ मंगाई है मीशो से, एक नहीं दो चीज़ें मंगाई हैं, जब आ जाएंगी तब दिखाऊंगी, है ना। मैंने सोचा यार चलो हलवा बनाते हैं, आप लोगों के साथ बातें करते हैं, बातें भी हो जाएंगी। ओ शिट, ये क्या हुआ, कुछ तो हुआ गड़बड़। गया बच के घर पे कोई है भी नहीं, बचाने भी नहीं आएगा कोई, इंस्टाग्राम वाले तो बाद में देखेंगे, यूट्यूब वाले, इसलिए थोड़ा बच के ज्यादा वो नहीं। चलो जी ये हाथ मेरा वो कहाँ है, डस्टिंग वाला, एक मिनट रुको, आप लोग इसको देखो, मैं आ गई हूँ भाग के।
थोड़ा स्मोकी स्मोकी फ्लेवर आने लग गया है। क्या करा जाए, कढ़ाई चेंज कर दें क्या? ये तो स्मोकी स्मोकी फ्लेवर आने लग गया, सारे भाग भाग के गए, बाल भी खुल गए मेरे। ये ना एक्चुअली ना ये कढ़ाई थोड़ी हल्की है तो ये बॉटम में ना लग रही है, जो होता ना कि बीच में वो पड़क पकड़ लेते हैं, वो चीज़ हो रही है इसमें। क्या यार, इसमें बनाना ही चाहिए था। कोई बात नहीं, अब तो बन गया। पानी पानी डालें, पानी पैड तो चीनी डालें, इतनी चीनी तो शायद बहुत ज़्यादा कम होगी यार। राशन भी लेने जाना है। पता नहीं अभी कैसा बना होगा। बना दिया जुगाड़ से, जल्दी जल्दी है ना। घी कम पड़ गया मुझे ऐसा लग रहा है, घी कम पड़ गया। भाई जैसा ही बनाओ, खाना तो पड़ेगा आप लोगों को भी मुझे भी, ये बात तो पक्की है। खैर चलो यार, कोई तो आ जाओ घूमने फिरने, मेरे यहाँ पे टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी किसी को भी आने का है। कोई तो आ जाओ घूमने फिरने, ये सारे लड़के भी ऐसे ही हैं, खुद इधर उधर घूमते रहेंगे, यहाँ नहीं आएंगे घूमने के लिए। और हाँ, मैं बुआ बन गई, मेरे भाई की बेटी हुई है दीपक की। सब लोग बोलो कॉन्ग्रेचुलेशंस दीपक को, उसकी फोटो मैं लगा दूंगी यहाँ पे, ठीक है? उसको देखना फिर, सब लोग बोलना बधाई हो दीपक भैया, बधाई हो। तो ये सोच लो बस ये हलवा बन रहा है बुआ बनने की खुशी में, बुआ का कुछ मीठा खाने का मन है तो बुआ बना रही है, यही समझ के हलवा खाओ, ठीक है? सबके लिए है ये, सबके लिए। कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने, नो डाउट कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। जब बहुत दिनों तक कोई चीज ना बनाओ ना, जैसे कि बहुत दिन से मैंने वड़ा पाव नहीं बनाया, बहुत दिन से मतलब कुछ भी अच्छा अच्छा बनाया नहीं। खाते हैं, ऐसा नहीं खाते नहीं है, खाते हैं लेकिन बाहर जाके खाते हैं, कहीं मतलब बाहर चले गए खाने पीने ऐसा सा। तो मैंने अपनी कटिंग जब से की है ना, मैं क्यूट हो गया हूँ बहुत ज़्यादा अपने मुँह से। चलो जी, आज अपनी बुआ जो है मतलब बुआ बनने की खुशी में हलवा खाओ। अब मुझे समझ में आया क्या दिक्कत हुई है, घी कम है इसमें तभी ये थोड़ा वैसा हो गया है, नहीं तो इसने ऐसा होना नहीं था। ऊपर से ये नीचे लग भी रहा है। ये कड़ा प्रसाद तो नहीं बना, ये लपसी बन गई है। लपसी जान तो क्या होता है, जो आटे को गीला गीला वो कर देते ना, उसमें घी भी नहीं होता। जब किसी के गांव में, जब किसी के गांव या भैंस में किसी को भैंस ही बच्चा होता है ना, तो लपसी बनाते हैं, तो बस ये वही लपसी बन गई है। तो ये समझो मेरी मम्मी के बच्चा हुआ है, मैंने लपसी बना दी है बस यही समझ लो। ओ यो तो गए भैया, इसकी शक्ल एवं सी है, दिखाऊं एक सेकेंड, ये देखो दिखेगा, ये देखो इसकी शक्ल ऐसी सी होगी। अब पता नहीं खाने में कैसा होगा, खुशबू तो अच्छी आ रही है। चलो जी गैस बंद, खाते हैं। पैन
फैन चला दो थोड़ी देर। कभी भी ना कुछ भी खाने की क्रेविंग हो ही जाती है। अभी ये देख तो बना नहीं, प्रसाद तो बना नहीं, ये लपसी बन गई है। तो चलो कोई बात नहीं, हम लपसी ही खा लेंगे। थोड़ा छोड़ देंगे, राज खा लिया। वैसे वो खाएंगे नहीं, क्योंकि अगर ये वैसा बनता थोड़ा तो खा लेते। इसकी जो बुरी भर्तपिटी है ना, मतलब ये वैसा हो गया है बहुत ज़्यादा ड्राई, मतलब ड्राई नहीं लपसी, तो ये हम जैसे लोगों के लिए बन गया है, कुछ भी खाने वाले, ऐसी बात है। तो आप लोगों को बहारो फूल बरसा हो, बहुत अच्छा लगा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्म है इसलिए मैं खा नहीं रही, क्या फायदा, अंदर का स्वाद खराब हो जाएगा। ये लो आप लोग भी खा लो, मजे लेते हैं। इसे कहते हैं अपनी चीज की रक्षा स्वयं करें। मैं छोड़ के चली गई इसको और ये नीचे लग गया, इसमें हो गया स्मोकी फ्लेवर, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है, बट मैं खा लूंगी। चलो आप लोग भी खाओ, मैं बुआ बन गई हूँ, सब लोग मुझे बोलना कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है दीपक भैया, बधाई हो। और ये छोटू सब लोग, मेरा अच्छा लगा होगा आप सबको, श्योर अच्छा ही लगा होगा यार। आप लोगों को मैं दिख जाती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगता है मुझे पता है। तो इस ब्लॉग को क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बहुत सारा शेयर करना है। थैंक यू सो मच आप सबका दिल से, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए बिना कहे भी। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट शॉपिंग में। मैंने क्या मंगाया मीशो से पहली बार, वो भी देखते हैं, ठीक है। किसी को तो पता है मैंने पूछा था। तो यहाँ कमेंट में नहीं बताना, ठीक है, कि मैंने तुमसे क्या पूछा था। बाय बाय।